एवरीवन, तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पत्ते गोभी की बहुत ही यूनिक रेसिपी। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा पत्ते गोभी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और बहुत थोड़े में ही बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ते गोभी को बहुत ही बारीक कट कर लिया है, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक प्याज लेना है, उसको बारीक कट कर लेना है। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी डाल देना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 कटोरी बेसन, 1 चम्मच सूजी, 1/2 चम्मच नमक। अब हम इन सबको कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल को हमें हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है और जब आप बॉल्स डालें तो फ्लेम को मीडियम कर लें। अब हम धीरे धीरे सारे बॉल्स को एक एक करके तेल में डाल देंगे। और 5 से 10 मिनट तक हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो सारे बॉल्स मैंने डाल दिए हैं। अब हम धीरे धीरे इसको डीप फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। इसकी पोजीशन चेंज करते हुए हम थोड़ा थोड़ा इसको चलाएंगे जिससे कि चारों अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। तो कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे लिया है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई गरम करके हम उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे और फिर उसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च का बना हुआ पेस्ट।
अब डालेंगे एक चम्मच चिली सॉस, इसे भी मिला देंगे। फिर डालेंगे एक चम्मच सोया सॉस। हमें सॉस जब भी डालना है साथ साथ ही मिलाते भी जाना है, तो साथ ही साथ हम मिलाते भी चलेंगे। और डालेंगे अब थोड़ा सा पानी और ग्रेवी को हम अच्छे से मिला देंगे। अगर पानी आपको और डालना है तो आप और भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनके रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई करके रखे हुए हैं सारे बॉल्स को, हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे ग्रेवी के साथ हम प्रॉपरली मिला देंगे। मिला लेने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, हम एक बार ओपन करके इसे फिर से चला लेंगे, जिससे कि सारे बॉल्स में प्रॉपरली ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अंदर तक आ जाए। सारे बॉल्स को एक बार चला लेने के बाद फिर से हम इसे ढक देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारी पत्ते गोभी की सब्जी, वो भी मंचूरियन स्टाइल, रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। तो लीजिए पत्ते गोभी की ये न्यू रेसिपी, वो भी मंचूरियन स्टाइल में रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़े से पत्ते गोभी से कितनी ज़्यादा सब्जी यहाँ पे बनके रेडी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप इस पत्ते गोभी की सब्जी को रोटी, चावल, पराठे के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही नए और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।